वेलकम बैक। नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार गोस्वामी, आपका अपना चैनल ग्रीन भारत पर आपका स्वागत करता हूं। और मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। गर्मियों का मौसम स्टार्ट हो गया है। गर्मी के मौसम में आप अपने गार्डन, बगीचे और अपने किचन गार्डन में हमको एक छोटा सा काम ज़रूर करना चाहिए। नन्हे नन्हे पक्षियों के लिए हमें पानी की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि गर्मी में इंसान ही नहीं बल्कि नन्हे नन्हे पक्षी भी परेशान रहते हैं। हर साल गर्मी के एक मौसम में ना जाने कितने पक्षी प्यास और हीट स्ट्रोक का शिकार होकर जान देते हैं। हम यदि एक छोटी सी कोशिश करें और थोड़ी सी मानवता दिखाएं और अपने घर, ऑफिस और बगीचे में आने वाले पक्षियों के लिए पानी और आश्रय का प्रबंध करें, तो गर्मी के कारण होने वाली पक्षियों की मौत में काफ़ी कमी आ सकती है। आज हम आपको ऐसे तरीके बताने जा रहे हैं जिन्हें अपनाकर आप भी पक्षियों को जीवनदान दे सकते हैं। आप अपने गार्डन में, घर की बालकनी में पक्षियों के लिए पानी रख सकते हैं। ध्यान रखें कि पानी प्लास्टिक या स्टील के बर्तन में ना रखें, क्योंकि धूप में इन बर्तनों का पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। पक्षियों के लिए पानी रखने के लिए मिट्टी का बर्तन काफ़ी सबसे अच्छा माना जाता है। इन बर्तनों में नियमित रूप से हमको सफाई करते रहना चाहिए, जिससे कि पक्षी रोगों से दूर रहें और मिट्टी के बर्तन में पानी ठंडा भी रहता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पानी हमको बदल बदल कर ही देना है। पानी को हमको चेंज करना, रोज़ साफ पानी हमको भरना है। इसके साथ साथ आप अपने ऑफिस में भी अपने सहयोगियों के साथ मिलकर वहाँ पानी रख सकते हैं जहाँ पक्षी आते हैं। दोस्तों, आप पक्षियों के पानी की व्यवस्था के साथ साथ उनके रहने की भी व्यवस्था कर सकते हैं। उनके लिए अपने बगीचे में एक छोटा सा घर बना सकते हैं। आप चाहें तो अपने बगीचे गार्डन में पक्षियों के लिए दाने की व्यवस्था कर सकते हैं। वैसे तो पक्षी बहुत मेहनती होते हैं और अपने लिए दाने की व्यवस्था खुद ही कर लेते हैं, लेकिन गर्मियों में ज़रूरी है कि उन्हें कम से कम उड़ना पड़े, और जितना उड़ेंगे वो उन्हें उतने ही पानी की ज़रूरत होगी और हीट स्ट्रोक का खतरा उतना ही अधिक होगा। पानी के साथ साथ अगर हम उन्हें खाने को भी रख सकें तो और भी सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा उन्हें, क्योंकि ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। गर्मियों में उनके लिए सूरजमुखी के बीज, फल या रस भी आप दे सकते हैं। प्रकृति ने पक्षियों का शरीर इस प्रकार से बनाया है कि वो गर्मी को सहन कर सकते हैं, पक्षियों को पसीना आता नहीं है। फ्रेंड्स, अगर आप अपने गार्डन के अंदर पानी की व्यवस्था करते हैं तो पक्षी आएंगे तो आपके पेड़ पौधों को जो नुकसान पहुंचाने वाले कुछ कीड़े मकोड़े होते हैं उनको भी खाएंगे, जिससे कि आपके पेड़ पौधे सुरक्षित बने रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप भी इन गर्मियों से लड़ने में पक्षियों की मदद करेंगे ना, जिससे कि वो अपनी चहचहाट से हमारे गार्डन, बगीचे और वातावरण को गुलजार बनाए रखें। मैं आपसे आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लोगों को अवेयर करें, जिससे वो पक्षियों की मदद कर सकें, ताकि पक्षी हीट स्ट्रोक और गर्मी के कारण या प्यासे ना मारे जाएं। आप गर्मियों के मौसम में इस छोटा सा काम करके पक्षियों को बचा सकते हैं। दोस्तों, कि आपको पता है चिड़ियों की चहचहाट से घर की नेगेटिव एनर्जी का नाश होता है और पॉजिटिव एनर्जी की वृद्धि होती है। चिड़ियों की चहचहाट से मानसिक तनाव में भी शांति मिलती है, स्ट्रेस में रिलीज होता है। इसकी प्यारी प्यारी आवाज़ बहुत ही खूबसूरत और शानदार लगती है, मन को बहुत ही शांति देने वाली होती है। आप जब कभी बगीचे में जाते होंगे तो गार्डन में कोयल की आवाज़ सुनने पर कानों को कितनी मधुरता मिलती है, कितना अच्छा लगता है। आपने मयूर की भी आवाज़ सुनी होगी, उसकी कितनी मनमोहक, कितनी शानदार आवाज़ होती है, मन सुनकर प्रसन्न हो जाता है। तो दोस्तों, अपने छत पर, अपने गार्डन में एक छोटा सा उपाय करें, पक्षियों के लिए दाना और पानी की व्यवस्था करें, जिससे आपका गार्डन चहचहाट, पक्षियों की चहचहाट से गुलजार उठेगा और आपका घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास होगा। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।